ChenOne ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां काशिफ अशफाक से मिलने टोबा टेक सिंह में उनकी रिहाइश का चनाब हाउस पहुंचे। अपने वालिद चौधरी अशफाक के हमरा इस्तकबाल किया। पंजाब के बड़े सनती घराने चनाब ग्रुप से तलक है। खुद टेक्सटाइल की रिटेल का बिजनेस ChenOne के नाम से शुरू किया। क्या कारखानेदार घरानों में कोई ख़ास गुड़ती दी जाती है कि पैसा बनाने का फन आ जाता? तलीम है और तरबियत है, और जब आप एक फैमिली में एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो आपको शुरू से ही ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती है। हम तो जब मैट्रिक में थे तो उस वक्त भी हमें इजाज़त नहीं थी कि आप कहीं भी छुट्टियों में आगे पीछे जाएं। हम जाके अपनी बकायदा फैक्ट्रीज़ में बैठते थे और वहाँ से जाके ट्रेनिंग लेते थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना डिफरेंट माइलस्टोन जो अचीव कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह में पैदा हुए, फैसलाबाद और बैरून मुल्क पढ़े। जब गए तो बड़े शरारती बच्चे थे, जब आए तो संजीदा बिजनेसमैन बन गए। ये तब्दीली क्या बैरून मुल्क तालीम की वजह से आई? मैं इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ा हूँ, तो वहाँ से सीखने का मौका मिला। जब ख़ुद अपना हमने अपनी लॉन्ड्री भी करते थे, अपना खाना भी पकाते थे और ट्रैवलिंग भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, उसने हमें उस एनवायरनमेंट ने हमें बहुत सिखाया। और जब हम आए तो हमें एहसास हुआ कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, और हमने फिर चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू किया। आप पहले नौजवान सनतकार थे जिसने टेक्सटाइल को बराह रास्त आवाम को फरोख्त करने का फैसला किया, ये ख्याल आया कैसे? सारे वो ब्रांड्स जो इंटरनेशनली हम देखते थे यूके में, यूरोप में या यूएसए में, तो वो वही प्रोडक्ट थी जो यहाँ से पाकिस्तान से हम लोग बना के भेज रहे थे। यहाँ पे एक शॉप कल्चर था और हमने सोचा कि यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, और इसमें किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। और ज़रूरत थी फ्यूचर में, हम चाहते थे कि और एक इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, मार्केट डेवलप की जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एक तरीका ये भी था कि हम ChenOne स्टोर बना देते, उसके अंदर हम बाहर से डिफरेंट ब्रांड्स ला के रख देते। हमने वो काम नहीं किया, हमने डेवलप किया मार्केट को, प्रोडक्ट भी डेवलप की, हमने ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप किया, फिर हमने स्टोर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाए, फिर हमने उसको डिसेंट्रलाइज किया। 97 में हमने ये वाला पूरा बार कोडिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये सारा जदीद जो चीज़ें दुनिया में हो रही थी वो हमने उस वक्त की, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज किया आपने। आपके चनाब ग्रुप ने बहुत रुजो जवाल देखे। एक वक्त ऐसा था जब इसे 7 साल तक मुसलसल बेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी मिली, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि मिलने कुछ नीलाम करनी पड़ी। क्यों हुआ ऐसा? हमारे मुल्क में जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो है जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो जब स्टेबिलिटी नहीं होती ना पॉलिटिकल किसी भी कंट्री में, तो वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। हमारा ग्रुप जो है अभी भी जो हमारे नीलाम वाली सिचुएशन पे हम नहीं गए, मगर ये हुआ कि हमारे 2-3 यूनिट बंद हो गए। जो हालात थे, एक तो इंटरनेशनल भी क्राइसिस था, बिजनेसेस कम हुए, दूसरा इधर हमारे पास लोड शेडिंग ने हमारे पास काफ़ी इश्यूज बने लोड शेडिंग की वजह से, तीसरा ये कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ गए उससे भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए, तो उससे हमें कुछ शट डाउन करना पड़ा। हमारा बिज़नेस जो है वो 40% 30% तक रह गया था, तो बट अब ये दोबारा से हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सेटलमेंट अब हो गई है, और हम चाहते हैं कि दोबारा से उसको रिवाइव करें, क्योंकि एक टाइम पे हमारे पास 14,000 लोग काम करते थे, तो अभी कोई 4,000 के लगभग काम करते हैं। पहले आपकी वर्थ कितनी थी, अब कितनी है? हमारी कोई 100 मिलियन US डॉलर की जो है ना वो पर एनम सेल थी, तो अभी वो सेल कोई 40% पे रह गई है। कहाँ टेक्सटाइल का बिजनेस और कहाँ फर्नीचर, आप इस शोबे में कैसे आ गए? इसमें इस तरह गए कि जब हमने स्टोर बनाए तो हमें फर्नीचर स्टार्ट में डिस्प्ले करने के लिए रखा,
जब कस्टमर आए उन्होंने कहा कि आप ये फर्नीचर और कंप्लीट सेटअप क्यों नहीं हमें देते। फिर हमने जिनसे हमने फर्नीचर डिस्प्ले के लिए लिया था, एक दो हमारे अच्छे दोस्त हैं फर्नीचर इंडस्ट्री में, उनसे हमने बात की और हमने फौरी तौर पे कस्टमर्स को सेल शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिमांड इतनी बढ़ गई कि वहाँ से डिलीवरीज लेट होना शुरू हो गई, कुछ क्वालिटी के इशू आना शुरू हो गए। हमने फिर सोचा कि हम क्यों ना इस फील्ड में जाएं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा बिजनेस है इसका आ रहा है। तो फिर जब हम मुख्तलिफ लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, हम 10 लोगों ने फिर इकट्ठे होके सोचा कि यार हम कुछ इंडस्ट्री के लिए करें। हमने फिर मिल के ना मनी पूल की, हमने 5-5 लाख रुपए डाला सब ने और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दी फर्नीचर की प्रमोशन के लिए। हमने फिर क्या किया कि पाकिस्तान में 11 एग्जीबिशंस लगाई, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मेन बड़े शहरों में। जो फर्स्ट एग्जीबिशन थी और आज जब 11वीं एग्जीबिशन हमारी लाहौर में लास्ट थी, यकीन करें ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये वो स्टैंडर्ड था जो इंटरनेशनली हम कहीं भी जाके लगा दें तो हम दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। टेक्सटाइल और फर्नीचर में तो थे ही, फिर फूड चेन भी बना ली और अब एजुकेशन के बिजनेस में भी आ गए हैं। क्या क्या करने का इरादा रखते हैं? जो हमने सीखा है ना वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फूड चेन कौन कौन से हैं? फूड में हमारे पास 3 ब्रांड हैं। आपके वालिद तो चौधरी इशफाक कहलाते हैं, आप मियां काशिफ इशफाक बन गए, ये कैसे? ये बस बिजनेस में ज़्यादा मियां का वर्ड यूज़ होता है, पॉलिटिक्स में चौधरी का यूज़ होता है। हमारे पंजाब में भी यही ज़्यादातर चलता है और फैमिली में भी इसी तरह चल पड़ा और वो मुझे मियां कहना शुरू हो गए तो वो इस तरह से नाम पड़ गया। वालदैन के हमरा नाश्ता किया। मेरे दो ही बेटे हैं, एक छोटा उमर है और ये काशिफ है, तो ये आपस में मिलके चलते हैं। मेरी मियाँ साहब की इस फैमिली की सरपरस्ती है और ये हमेशा ताबेदार सबमिसिव है। इसका जो तरबियत हुई है वो मुझसे हुई है, तो हमने तो यही सीखा कि हम जो है हम नाचीज़ हैं, हम कुछ नहीं हैं, जो भी है अल्लाह का करम है। उन्होंने बड़ी इज्जत दी थी। हमारे वालदैन गाँव से उठ के जहाँ टोबा में आए थे, तो हमारी फैमिली टोबा से आगे फैसलाबाद लाहौर गई है। ये अल्लाह ताला का खास करम है। बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत फरमान बरदार है, बहुत मेरा ख्याल रखता है, बल्कि बहनों का बहुत रखता है ख्याल, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटियों की शादियों पे भी काशिफ ने सब कुछ लेके बहनों को दिया, साथ साथ मेरे आप भी बहनों का बहुत ख्याल रखता, मियाँ साहब से भी ज़्यादा। मैं जाती हूँ लाहौर में, देखती हूँ कि बहुत कम सोता है, रात को 1 बजे भी सोए तो सुबह 7 बजे उठा होता है, फिर आके मुझे पूछता है अम्मी जान उठ गए, मेरे कमरे में बार बार आके रात को भी देख के सोना, अगर मैं सो गई तो नहीं उठाना कि अम्मी सो गई हैं। वालिद चौधरी इशफाक रुकने कौमी असम्बली रहे, चेयरमैन जिला काउंसिल टोबा टेक सिंह रहे, आप बड़े बेटे हैं, आप सियासत की बजाय बिजनेस क्यों कर रहे हैं? सियासत में उनका पूरा हाथ बटाते हैं, जहाँ जहाँ जो मुमकिन है उनके साथ पूरा मेरी कोऑपरेशन होती है, और सियासत चूँकि वो कर रहे हैं उनकी ये ख्वाहिश है, शुरू से उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है कि जी उन्होंने आवाम की खिदमत करनी है, सोशल वर्क करना है, तो ये सब उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आप जब तक आपके पास बिजनेस नहीं होगा तो आप कैसे सिस्टम चलाएंगे। दो ही तरीके हैं, एक पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो अपने रास्ते बना लेते हैं करप्शन से या अदरवाइज़। हमने हमेशा जो है वो कोशिश की है कि किसी से भी हम एक चाय के कप तक जो है उसके रवादार नहीं है। तो इसलिए अगर आपने किसी एक नेशनल असम्बली की या डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स करनी होती है तो 8 से 10 लाख रुपए महीना तो कम से कम आपका खर्चा होता है। रजाना रोड पर वाकया इवेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचे, पीटीआई के मकामी एमपीए सईद अहमद सईदी और हलका के मुअज्जिज़ीन ने इस्तकबाल किया।
इंडस्ट्रियल स्टेट हमने खड़ी कर दी है 3300 एकड़ में, और वहाँ 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 400 इंडस्ट्रीज लगेंगी और 400 अरब की वहाँ पे सरमायाकारी होगी। तोबा के मकामी मुअज्जिज़ीन ने उनके एजाज में हाई टी पार्टी का एहतमाम किया हुआ था। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल टोबा टेक सिंह आए। सेक्रेटरी कार्डियक केयर यूनिट हाजी आमिर हनीफ और स्टाफ ने इस्तकबाल किया। चैन वन फाउंडेशन के तावन से जदीद कार्डियक केयर यूनिट अतिया किया गया। कार्डियक यूनिट में एंजियोग्राफी की जदीद तरीन मशीन फराहम की गई। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। जदीद डायलिसिस मशीन भी अस्पताल को अतिया की गई है। इतने मुख्तलिफ शोबों में बिजनेस कर रहे हैं, माहाना कितना कमा लेते हैं और कितना सियासत के लिए खर्चा देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 50 करोड़ के लगभग हमारा टैक्स जो है हम पे करते हैं हर साल। और दूसरा ये कि हमारे माशाल्लाह मल्टीपल बिजनेसेस हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने अदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ हम बहुत फेयर चलते हैं। अभी भी जो FBR ने सिस्टम किया है, जो हमारे रिटेल स्टोर है, हमारी कंपनी सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने उनके सिस्टम के साथ सिस्टम को ज्वाइन कर दिया है कि ताकि वो ट्रांसपेरेंट, जिस तरह हम अपनी सेल देखते हैं इस तरह से ही FBR भी अब हमें मॉनिटर कर रहा है। साइयांवाला में चनेट रोड पर ज़ेर तामीर अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पहुंच। तरक्याती कामों का जायजा लिया। अभी थोड़ा अरसा पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान यहाँ आए फेडमक में, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन में, और उन्होंने इफ्तिताह भी किया। आप ये बताएं कि ये कितना रकबा है, यहाँ कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और कितनी जॉब्स पैदा होंगी? ये अभी आज जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है जो CPAC के अंडर आता है और 3317 एकड़ टोटल एरिया है, और ये फेडमक जो हमारी कंपनी है वही बना रही है। इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे M3 इंडस्ट्रियल सिटी हमारा 4500 एकड़ में एक जोन चल रहा है, और ये जोन स्पेशली बनाया CPAC के लिए, चाइनीज़ के लिए। अब तक कितनी सरमायाकारी हो चुकी है, कितनी कंपनियां आ चुकी हैं और कितनी और आएंगी? 400 अरब रुपए की यहाँ पे सरमायाकारी होगी। 400 अरब पाक रुपीज़, और इसमें 3 लाख लोगों को जॉब मिलेंगी। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री लगने जा रही है वो या तो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट है या एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। अब तक कितनी कंपनियां आ चुकी हैं और कितनी और आएंगी? कोई 40 के करीब कंपनियां जिन्होंने जगह बाई कर ली है, और वो तकरीबन 1500 एकड़ है, 3300 एकड़ में से जो हमारा सेलेबल एरिया तकरीबन 2300-2400 एकड़ बनना है। और ये डेवलपमेंट का जो फेज़ वन है जो तकरीबन 1.5 अरब से हम बना रहे हैं, जिसमें मेन हमारी आर्टरियल रोड बन जाएंगी और चारदीवारी बन जाएगी और गेट बन जाएगा, तो फिर उसके बाद ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी और वो उनको पोजेशन मिल जाएगा और वो काम शुरू कर देंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ बिजली और गैस हम एडवांस में लेके आए हैं। यहाँ बिजली और गैस का कोई इशू नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, और मोटरवे के ऊपर है और ये सेंट्रल प्लेस है। क्या वही सनतें तो दोबारा नहीं लग जाएंगी जो पहले से हैं? कौन कौन से नए शोबे की सनतकारी होगी? अभी बाहर से चाइना से लोग आ रहे हैं, सरामिक की इंडस्ट्री है, फिर टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल है, स्टील की इंडस्ट्री है, और एक इसमें जो प्रीफैब मटेरियल बनाने वाली वो चाइना से कंपनीज कुछ आ रही हैं, कुछ ऑटोमोबाइल में आ रही हैं, इंजीनियरिंग में आ रही हैं, तो सारे ही मल्टीपल शोबों में यहाँ पे लोग आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं।
माशाल्लाह जवानी में ही अमीर हो गए। सबसे ज़्यादा खर्च किस चीज़ पर करते हैं? कपड़ों पर, खाने पर, रहन सहन पर या किसी और चीज़ पर? मेरी जो सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि सबसे ज़्यादा खर्च करें इंसानियत की फलाह पे। हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है अपनी कंपनी में, ग्रुप में, कि एक सर्टन परसेंटेज है जो हम अलहदा से हम वहाँ पे हर जगह हर पूरा साल हम जो है उन मुख्तलिफ अदारों को देते हैं। फिर भी अपना जो खर्चा है उसमें से किस चीज़ पर, खाने पर किस चीज़ पर खर्च करते हैं? खर्चा ज़्यादा या बच्चों का होता है, फैमिली का होता है, या कपड़ों पे खर्चा करते हैं, इससे ज़्यादा कोई और खर्चा नहीं है। घूमने फिरने का शौक़ है, दुनिया में कहाँ कहाँ गए हैं? दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में गया हूँ, बड़े जो मुल्क हैं जितने। कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? सबसे जो अच्छी जगह लगी है वो साउथ अफ्रीका लगी है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी फैडमट के दफ्तर आए। चाइनीज वफद के साथ सरमायाकारी के हवाले से मीटिंग की। ग्रुप फोटो बनवाई। दुनिया के हर खित्ते का हुसन, पानी और रंगो अंदाज मुख्तलिफ है। आपको कहाँ का हुसन पसंद आया? अरबी हुसन, यूरोपी हुसन, अमरीकी हुसन, पाकिस्तानी हुसन? मेरे हिसाब से पाकिस्तानी हुसन सबसे जो है वो हसीन। लोग यहाँ पे हैं और इतने कहीं पे भी नहीं है। बाकी अगर यूरोप जाते हैं, हम मिडल ईस्ट में जाते हैं, तो रंगत के अतबार से तो वो बेशक देखने में अच्छे लगते हैं, मगर जो नए नक्श हैं ये हमारे लोगों के ज़्यादा बेहतर है। नए नक्श में क्या चीज़ अच्छी लगती है? जो हमारे लोगों के फीचर हैं, जो हमारे नए नक्श ठीक हों और उसकी लुक अच्छी हो और बॉडी जो है उसकी फील अच्छी हो, तो उसी को आप बेहतर खूबसूरत समझते हैं। शादी तो आपने प्योरली अरेंज्ड की, घर वालों की मर्जी से की, उससे पहले कोई ना कोई इश्क तो किया होगा? नहीं, इश्क तो होते रहते हैं, हुए भी हैं, मगर ये कि वो टाइम होता है, वो टाइम जो है ना, शायद उसमें आपको समझ नहीं होती। वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आप को जो है उस तरह से ज़िंदगी के जो मामला थे उनकी उस तरह से गाही नहीं होती, उस तरह से आपको पता नहीं होता कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें दुनिया में हैं। एज के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीख जाते हैं कि इन चीज़ों में जो है ना कुछ नहीं मिलता, हासिल कुछ नहीं होता। हुंडई ऑटो कंपनी के असेंबलिंग यूनिट आए। बॉडी शॉप का दौरा किया। नई तैयारशुदा गाड़ियां भी मौजूद थीं। रास्ता मोटरवे लाहौर पहुंचे। रात को अस्त्री टावर लाहौर में पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के मरकजी दफ्तर पहुंचे। स्टाफ के साथ मीटिंग की। Thank you.
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है ई कॉमर्स वाला एग्जीबिशन, इंटरनेशनल हम लेके चलेंगे। पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से ये बताएं कि हम कितने का फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं और कितनी मालियत का एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो तकरीबन 50 करोड़ के करीब है, रफली जो एस्टीमेट है, जो कि बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जो कर भी रहे हैं वो चंद अदारे हैं और कुछ कंपनियां डायरेक्ट जो है ना वो इंपोर्ट कर रही हैं, कोई ऐसा सच ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं है। अभी तक फेज़ वन में जो हमने काम किया है, हमने पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट हो रही थी उसको रिड्यूस किया है। कितनी हो रही है? वो रफली 2 बिलियन के करीब है, 2 अरब रुपए। जी, वो अभी पहले तो ज़्यादा थी, 5 अरब के लगभग थी, अब वो तकरीबन 3 अरब के करीब कम हुई है, क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। सेकंड, ये जो एग्जीबिशन हमने लगाई है ना, इससे बड़ी अवेयरनेस आई है, तो लोकल सेल्स बढ़ी हैं। फिर हमने जो ये काउंसिल के प्लेटफॉर्म से पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट से बातचीत की है कि जी आप अपने पाकिस्तानी फर्नीचर को प्रमोट करें। जब ये एग्जीबिशन हम नहीं लगाते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतने नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर और डिज़ाइनर और लोग अवेलेबल हैं। अपने ChenOne स्टोर लाहौर पहुंचे। आप ये बताएं कि ChenOne में सालाना कितने के लोग आ जाते हैं और सालाना कितनी सेल होती है? हमारे मंथली जो है वो सेल होती है तकरीबन 7 से 8 करोड़, तो हमारी जो टोटल सेल है ओवरऑल वो 5 बिलियन प्लस है। तो रीजन वाइज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, रीजन वाइज हम जो सेल है उसको कैलकुलेट करते हैं। जो कस्टमर हमारे पास आता है पर डे वो तकरीबन 13 से 14 हज़ार आता है सारे स्टोरों में। और सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिकती है? सबसे ज़्यादा होम टेक्सटाइल बिकता है, टावल, पिल्लो, फिलिंग की आइटम, उसके बाद हमारा प्रीसा ब्रांड लेडीज़ का अनस्टिच वो बिकता है, फिर मेन्स वेयर है, फिर इसके बाद लेडीज़ की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फिर किड्स वेयर है, इस तरह से डिवीजन है हमारी। स्टोर से मुतसिल अपने रेस्टोरेंट आए। रेस्टोरेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, खाने का शौक भी तो होगा, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं? मुझे तो देसी पाकिस्तानी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। रेस्टोरेंट का मुझे जो वाहद नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ इजी एक्सेस है, मेरा दफ्तर करीब है, हम कुछ ना कुछ रोज़ या तो ये भेज देते हैं या ख़ुद मंगवा लेते हैं। लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट वाले बहुत मुनाफा कमाते हैं, 50 लगाते हैं और 200 लेते हैं। नहीं, ये गलत परसेप्शन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर बंदा फुल टाइम बैठा हो ना, फुल टाइम सर पे बैठ के भी बचाए पैसे तो 10-15% से ज़्यादा नहीं बचा सकता। यानी यहाँ पे वेस्टेज बहुत है, यानी फूड कॉस्ट है और अदर चीज़ें हैं, सर्विस के इश्यूज हैं, तो ये बड़ी फुल टाइम जॉब है और ये जैसे 2020 मैच है ना उस तरह से ये है। लाहौर में अपने घर पहुंचे। घर की तज़ीनो आराइश में तवाज़ुन और हुसन काबले दीद था। शादी को कितने साल हो गए, आप ज्यादा सख्त हैं या ये? शादी को 20 साल हो गए, 20+। सख्त हम कह रहे हैं तो दोनों ही सख्त हैं और कह रहे हैं तो दोनों ही सख्त नहीं है। ज्यादा ऊंचा कौन बोलता है, लड़ता कौन ज्यादा है? ये ऊंची नहीं बोलते घर आके, तो मैं ऊंची ऊंची बोल के बाहर निकल जाती हूँ, उनको फायदा नहीं होता। वैसे किन बातों पे इख्तलाफ होता है? लेट आने पे ज्यादा। बच्चों में इतना वक्फा क्यों है? पहले बेटा बेटी का ही प्लान था, फिर अल्लाह ताला ने देने थे एक बेटा बेटी और तो दे दिए। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, और बतौर बीवी आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इनकी खामी क्या है? ही इज अ गुड फादर,
मतलब इनके माइंड में होता है बीइंग अ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, सारी मसरूफियात के बावजूद इनके माइंड में चल रहा होता है कि बच्चे ने ये ख्वाहिश की है या बच्चे ने ये मतलब बर्थडे है या कोई भी इवेंट। आपका ख्याल नहीं रखते, सिर्फ बच्चों का ख्याल है। नहीं नहीं रखते, ऐसी बात नहीं है, फैमिली को टाइम देते हैं। वीकेंड पे सैटरडे, एवरी सैटरडे हम डिनर बाहर करते हैं। एवरी ईयर हमारा ट्रिप होता है बाहर का, तो वो एक अच्छा, बच्चों को भी पता होता है कि हमारे फादर ने हमारे साथ जाना है और एक हमारा ट्रिप होना है, तो वो बच्चे भी सेटिस्फाइड होते हैं कि वीकेंड भी हमारा है और ईयरली एक ट्रिप भी हमारा है, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन इनके पास चल रही होती है। आप इन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि बिल्कुल कुंदन हो जाए, सोना हो जाए, क्या क्या समझाएंगे इन्हें? पॉलिटिक्स छोड़ दें। तो करते हैं पॉलिटिक्स आपके साथ भी? कर जाते हैं। पॉलिटिशियंस मजबूर हैं। बहुत हार्ड वर्किंग है और हमें भी हमेशा ये सिखाते हैं कि हमेशा ट्राई करते हैं फिर आपको कुछ हासिल होता है। हमारी सारी बातें पूरी होते हैं लेकिन टाइम थोड़ा कम होता है इनके पास, कभी कभी लेट आते हैं रात को। मेरी बर्थडे पे मुझे वो पैसे दे देते हैं, मैं फिर जाके गिफ्ट्स ले लेती हूँ खुद ही। वो हमारी बात मानते हैं काफ़ी, मुझे इतनी कोई शिकायत नहीं है। अहलिया और बच्चों के हमराह डिनर किया। आपके खानदान की हमदर्दियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। आपके वालिद तहरीक इंसाफ के टिकट पर टोबा टेक सिंह से इलेक्शन भी लड़े। बतौर बिजनेसमैन आप तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियों से किस हद तक मुतमिन हैं? मौजूदा जो हुकूमत है उसको बहुत चैलेंजेस हैं, उसका हम भी हिस्सा हैं, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के साथ डेली फेस कर रहे हैं। मगर एक चीज़ है कि इस हुकूमत के, मैं समझता हूँ कि टाइम इसको ज़्यादा लग गया है, इससे जल्दी हमें चीज़ों को ओवरकम कर लेना चाहिए था। बट अभी जाके जो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जून जुलाई से ऑनवर्ड चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। हमारा जो टारगेट है, हम सबसे पहले टारगेट करें कि अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको हम पहले लेके आएँ। जो इकॉनमी है वो जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और उसके अलावा हमारे पास कोई सर्वाइवल का चांस नहीं अगर इसको हम ठीक नहीं करते। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी कई दफ़ा मिले हैं और कई इजलासों में भी शिरकत की है। ताजरों और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इकोनॉमिक वीजन में कितना फ़र्क है? इसमें थोड़ा सा ऊपर के हलकों में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उस, उनका बिजनेसमैनों के बारे में कोई उनके अच्छे नहीं है ख्यालात। उनका ये है कि ऊपर के हलकों में, इस्लामाबाद में, कैपिटल में थोड़ी ये बात चलती है कि ये बिजनेसमैन या ख़ास तौर पर टेक्सटाइल वाले, ये इनका काम ही ये है कि ये शोर मचाते रहते हैं। मसाइल उतने नहीं है जितना ये शोर मचाते हैं, तो इनकी डिमांड ज़्यादा है और इस तरह से एक परसेप्शन पाई जाती है। बट ये है कि ये जितने महदूद वसाइल हैं उसमें रहते हुए जो अभी अरेंजमेंट्स किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस गवर्नमेंट ने अनइंटरप्टेड आके जो बिजली और गैस जो दी है ना, वो एक इंडस्ट्री को सपोर्ट मिली है और साथ रिबेट दिया है 200 बिलियन का। इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर कैसे हैं? आप तो कई दफ़ा मिले हैं। इमरान खान साहब बड़े नेक, सच्चे और कमिटेड बंदे हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। मगर वो एक, मैंने उनको हमेशा जब भी एक दो दफ़ा मीटिंग में हम बैठे हैं, बातचीत हुई है, उनको बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं पाया। जिस तरह से उनका जो विजन था, जिस तरह से वो चाहते थे और जितना जल्दी वो चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, उनकी पूरी कोशिश के बावजूद वो चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं हुई। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी रोज़ कोई नई बात चल पड़ती है कि गवर्नमेंट को बड़ा ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपने जितने इत्तेहादी हैं उनको कंट्रोल में रखे, उनको बैलेंस करके लेके चले। हम ऐसा क्या करें कि हमारी बरामदात बढ़ जाएं और दरामदात कम हो जाए? इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है जिस पे हमने काम शुरू कर दिया, जैसे
हमारा सी पैक है, फेज वन जो है उसमें था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नेटवर्क वो डेवलप हो गया, फेज टू था इकोनॉमिक जोन, उसमें पहला फेज हमने इलामा इकबाल पंजाब ने उसको लीड किया है वो हमने डेवलप कर दिया है। अभी दाबे जी कराची में और रशा कई के पी के में, ये दो जोन प्रायोरिटाइज बनने हैं। जब ये बन जाएंगे तीसरा है एग्रीकल्चर बेस्ड जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है सी पैक के अंडर जो आता है, जिसमें हमने अपनी जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी मुख्तिफ हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यील्ड बढ़ानी है उनके साथ मिलके, या इसके अलावा उन्होंने एक $1 बिलियन जो है हमें पाकिस्तान को उन्होंने हमें ग्रांट देनी थी डिफरेंट मद में, टेक्निकल एजुकेशन में, हेल्थ में, मुख्तिफ उन्होंने सेक्टर्स में अनाउंस की थी, वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुई। तो उसको अगर हम मटेरियलाइज कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। एक चीज़ तो जो इम्पॉर्टेंट है कि रीलोकेशन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जब आप जोन बनाएंगे तो हम चाइनीज़ कंपनीज यहाँ लाएंगे, डायरेक्ट भी वो आके यहाँ बिजनेस करेंगी और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है डिफरेंट सेक्टर में उनके साथ जॉइंट कोलेबोरेशन करवाएंगे। हम टारगेट ही उनको करेंगे सी पैक के अंडर के वो कंपनीज आएँ जो यहाँ आके प्रोडक्शन करें, हमारी जो लेबर है उसकी कंजम्पशन हो, कम कॉस्ट पे वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनकी लेबर इस वक्त जो है वो है $500 और हमारी जो है वो तकरीबन $100 है, तो उनको वो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है और ड्यूटीज़ का बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। काम काम और बस काम, कभी अपनी हिस्से लतीफ़ को भी मज़ा लेने देते हैं या नहीं? मौसीकी सुनते हैं? ज़्यादातर मैं पसंद करता हूँ पुराने गाने, जो पुराने जो जैसे अब ख़ास तौर पे हमारे लेजेंड है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, राहत फ़तेह ख़ान जो है, या जो हमारे आतिफ असलम है, इन लोगों ने बड़ा हमारे जो ये नई जनरेशन है। अदाकाराएं भी पुरानी पसंद हैं या अदाकाराएं नई अच्छी लगती? जो पुराने अदाकाराएं हैं वो ज़्यादा मैं समझता हूँ बेहतर है। कौन सी? हमारे जितनी रीमा है, मीरा है पाकिस्तान की, ये बड़ी लेजेंड है, इन्होंने बड़ा काम किया है, शान है। और इसमें अब जो नए लोग हैं जिनमें अदनान सिद्दीकी है, अभी बड़ा अच्छा एक सीरियल अभी हमने देखा है पाकिस्तान में। आप भी चाहते थे कि हीरो मर जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता था उसका एंड ठीक नहीं हुआ।